पहले तो खेड़ा बादशाह के प्रांगण में हम खड़े हैं। खेड़ा बादशाह जी का आशीर्वाद हमने लिया, मत्था टेका हम सब साथियों ने, और जो मुझे कांग्रेस हाई कमांड ने, हमारी आदरणीय बहन हमारी शैलजा जी ने उम्मीदवार बनाकर कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजा, उसके लिए मैं अपने हाई कमांड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और जो हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता है बहुत जागरूक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बाहर से यहाँ चमक दिखाने के लिए यहाँ से उम्मीदवार आए हैं, हमारी जनता इनकी चमक में आने वाली नहीं है। और जो लगातार 10 साल का राज बीजेपी का देखा है, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, इन्होंने हमें महंगाई दी, हमें बेरोजगारी दी, हमें नशा दिया, टूटी सड़कें दी, पीने का पानी नहीं दिया, बिजली के कटों से लोग परेशान रहे, सड़कों की व्यवस्था खराब रही, हमारा पशुओं की समस्या लगातार बनी रही, सफाई की व्यवस्था को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे, हड़तालें होती रही, कहीं ना कहीं 7 लेन लगाई गई, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, हमारी 2 फैक्ट्रियाँ थी, HMT फैक्ट्री, AICC फैक्ट्री, उनको बंद करने का BJP की सरकार ने काम किया। तो लोगों को आज एक बड़ी बहुत भारी उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और किस तरह हम महंगाई दूर करेंगे, कैसे हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे अच्छी सड़कें देंगे, कैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, हमारा घोषणा पत्र बहुत जल्दी 7-8-10 दिन के अंदर हम हर घर तक, हर परिवार तक, हर दुकान तक पहुँचाएंगे, ताकि लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कांग्रेस सरकार बनने पर जो मुश्किलों का सामना हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना पड़ा, उससे हम कैसे उनको राहत दिलाने का काम करें।